नमस्कार दोस्तों, अगर आप लोग मुझे इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक में फॉलो करते होंगे तो आप सभी को पता होगा कि मैं एक ऑफिशियल सॉन्ग रिलीज़ करने जा रहा हूँ, अपना म्यूज़िक वीडियो रिलीज़ करने जा रहा हूँ। सेकेंड ऑफिशियल सॉन्ग होगा एंड फर्स्ट म्यूज़िक वीडियो होगा, तो मैं वो रिलीज़ करने जा रहा हूँ। उसी वीडियो के सॉन्ग को मुझे रिकॉर्ड करने के लिए सिलापत्थर जाना है, तो आज मैं सिलापत्थर का और मैं कैसे रिकॉर्ड करता हूँ उसका व्लॉग बना के आप लोगों को दिखाऊंगा। और जाने से पहले मैं आप सभी को बताऊंगा कि मैं सुबह उठने के साथ साथ नहाता हूँ, और मैं कौन से सोप से नहाता हूँ मैं आप लोगों को बताऊंगा। मामार्थ के चारकोल नरिशिंग बेथिंग सोप से नहाता हूँ मैं, और इसी के साथ आता है मामार्थ का ही नेचुरल नरिशिंग बेथिंग सोप, और ये इंडिया का पहला सल्फेट फ्री सोप है। और जो मैं यूज करता हूँ चारकोल नरिशिंग बेथिंग सोप, ये बना है चारकोल और मिंट से, और ये भी एक सल्फेट फ्री सोप है जो आपके स्किन को डीपली क्लेंस करता है। ये जस्ट एक नॉर्मल साबुन नहीं, ये नेचर के साथ एक कनेक्शन है। जैसे कि आप सभी को पता है कि पुराने जमाने में लोग नेचुरल इंग्रेडिएंट का यूज करते थे उसके रो फॉर्म में अपने बॉडी को साफ करने के लिए, जो स्किन के नरिशमेंट के लिए बहुत अच्छा है विद द गुडनेस ऑफ नेचर। नीम और टी ट्री लीव्स के पेस्ट का इस्तेमाल किया जाता था क्योंकि उसमें कई सारे एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होते हैं। विटामिन सी और हनी का इस्तेमाल किया जाता था स्किन के मॉइस्चराइजेशन के लिए। उटन पेस्ट का यूज किया जाता था क्लियर एंड इवन टोन्ड स्किन के लिए, और इन्हीं इंग्रेडिएंट्स का जो प्रॉपर्टीज एंड गुडनेस है वही पाया जाता है मामार्थ के नरिशिंग बेथिंग सोप्स में। इस साबुन से नहाने के बाद मैं अपने आप को नेचर के और भी करीब फील करता हूँ, और ये आपके स्किन में बहुत ही माइल्ड एंड जेंटल है, और ये आपके स्किन को सॉफ्ट बनाता है, सपल बनाता है एंड डीपली क्लेंस करता है। मामार्थ के जितने प्रोडक्ट्स होते हैं वो केमिकल फ्री होते हैं, टॉक्सिन फ्री होते हैं एंड नेचुरल इंग्रेडिएंट्स से बने हैं। एवरी टाइम यू बाय फ्रॉम मामार्थ, मामार्थ आपके ऑर्डर को लिंक करता है एक ट्री से, एंड बाय 2025 मामार्थ वाले प्लान कर रहे हैं 1 मिलियन ट्रीज प्लांट करने का, जो कि बहुत अच्छी बात है। एंड मामार्थ हैज बीन अवार्डेड पेटा का क्रुएल्टी फ्री एंड ब्यूटी विदाउट बनिस अवार्ड, मतलब कि हमारे कोई भी प्यारे प्यारे एनिमल्स हर्ट नहीं हुए हैं। अगर आपको मामार्थ के बेहतरीन प्रोडक्ट्स 20% ऑफ में चाहिए तो मामार्थ के ऑफिशियल वेबसाइट में जाइए और टाइप कीजिए Lensing2021, Lensing2021 इज माय कोड। अगर आप इस कोड को टाइप करोगे तो मामार्थ के जितने प्रोडक्ट्स हैं वो आपको 20% ऑफ में मिल जाएगा, और ये प्रोडक्ट्स Amazon एंड Flipkart में भी अवेलेबल है। मैं तीनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन से जाके परचेज कर सकते हो। एंड मामार्थ ने अपना ऐप भी लॉन्च किया है जो कि आपको एंड्रॉइड एंड iOS में मिल जाएगा, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। द ऐप यूजर्स गेट अर्ली एक्सेस टू सेल्स एंड हेंस गेट एक्स्ट्रा डिस्काउंट्स। सॉफ्ट, सपल एंड डीपली क्लेंस्ड स्किन के लिए यूज कीजिए मामार्थ का चारकोल नरिशिंग बेथिंग सोप और नेचुरल नरिशिंग बेथिंग सोप्स। तो गाइस अभी बिना देरी किए चलिए व्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। तो अभी मैं जाऊंगा खुला जान, चलिए चलते हैं और बताते हैं कि मैं रिकॉर्डिंग वगैरह कैसा करता हूँ। एक्चुअली जिन्होंने मुझे बुलाया है उनको मैं पहली बार मिलने वाला हूँ, बहुत अच्छा लड़का है, तो मैं उनको पहली बार मिलूंगा और उनके साथ बातें करूंगा, फिर गाना रिकॉर्ड करूंगा, फिर म्यूजिक वीडियो बनाऊंगा। और इस म्यूजिक वीडियो में हीरोइन का रोल कर रही है मिस इनाम काके, आप इनको इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हो, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और ऑफिशियल म्यूजिक वीडियो रिलीज होगा 25 अगस्त को, जिसका मैं अभी टीजर आपको प्ले करके दिखा देता हूँ। तो फाइनली मैं पहुंच गया हूं खुला जान में, अभी मैं मिलूंगा जैक एंड जोन्स से जिन्होंने मुझे बुलाया है गाना रिकॉर्ड करने के लिए, और उनका भी खुद का यूट्यूब चैनल है, अभी मैं मिलवाता हूं उनसे, उनका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। तो अभी वहां पे रोड ख़राब है बोला है, तो मुझे बाइक से लेने के लिए आए हैं वो, उनके भैया है शायद, तो उनके साथ मैं जाऊँगा अभी। ओके तो चलिए भैया जी, ओके तो ये है खुला जान। वहीं पे रह गई है, तो ये काफी प्यारा सा सुंदर सा गांव। एक्चुअली सेकंड जोन्स ब्रदर ने मुझे बोला कि उनके ही उनके स्टूडियो में रिकॉर्डिंग करेंगे करके, तो उनके स्टूडियो में हम जा रहे हैं, स्टूडियो का सेटअप भी हम दिखाएंगे। ये तो हम शायद इनके घर पहुंच गए, इनका घर है ना, उनका घर उधर है, उधर है और स्टूडियो यहाँ में है ना। ओके ओके, तो हम फाइनली पहुंच गए और ये है इनका स्टूडियो। अभी जैक एंड जोन्स ब्रदर आते ही होंगे, और उनके बारे में मैं कुछ बता दूं।
वो लोग मिसिंग कम्युनिटी के, जो लोग असम में रहते हैं, अरुणाचल में भी रहते हैं, तो मिसिंग कम्युनिटी के बहुत ही फेमस सिंगर्स हैं, तो उनका स्टूडियो का टूर करवा देता हूँ। तो अविनाश भैया, ये क्या बोलते हैं स्टूडियो का नाम क्या है? थ्री टोन स्टूडियो। उसको खुला जान बोलने से हो जाएगा ना? खुला जान बोलने से। ओके, तो ये इनका स्टूडियो, जॉन पेगो टाइटल पेगो इनका ना। ओके ओके, तो ये मिस्टर जॉन पेगो, हेलो, नाइस टू मीट यू, हेलो, हाय सभी को, हेलो, ये भाई हम लोग का मिंटो रोल है, हेलो, आवर लेडी जस्ट, ओ आप है ना भाई ना, जी जी, ओके, आई लाइक टू वेलकम नो, ओह, लिटिल पीस ऑफ मॉबलर यू नो, थैंक यू सो मच, ओके, तो सेक ऑफ या टोकन ऑफ लव, अंकल के साइड से टोकन ऑफ लव, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अरे सुंदर लग रहा है ब्रो, थैंक यू। अरे इतना अच्छा प्यारा वेलकम कर रहे, थैंक यू सो मच। तो ये है जॉन पेगो, जिनका हम पहले से इंतजार कर रहे थे, और मिसिंग कम्युनिटी में मेरा फेवरेट सिंगर जॉन पेगो, उनका मैंने पूरा गाना वगैरह फॉलो किया है, बहुत अच्छा गाते हैं। तो इनका चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और स्टूडियो का भी हम नंबर वगैरह डिस्क्रिप्शन में दे देगा। ओके, तो आपको अगर आप असम में रहते हो और रिकॉर्ड करवाना है, असम में नहीं भी रहते हो, अगर आपको अच्छी क्वालिटी की साउंड रिकॉर्डिंग चाहिए, तो आप इनके स्टूडियो से रिकॉर्ड करवा सकते हो। ओके गाइस, ये है मेरे गाने का ट्रैक, तो अभी इसमें मैं अपना वोकल दूंगा अंदर स्टूडियो, एंड आई एम वेरी एक्साइटेड, क्योंकि ये गाना बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तो अभी ये वो कमरा है जिसके अंदर घुस के अक्सर सिंगर लोग नर्वस हो जाते हैं, वहाँ से सब सेटअप वगैरह लगा के रखा हुआ है। अभी हम गाएंगे गाना। तो गाइस, आई एम ऑल सेट टू गो। गर्म हो सकते हैं ब्रो? हाँ, हो जाएगा। गर्मी, इतना अच्छा गाना दिया है तो गर्मी सह लेगा आराम से। आई एम ऑल सेट टू गो। अभी इस प्यारे गाने को गाने का समय आ गया है, एंड आई एम श्योर इट्स गोना हिट मिलियन, क्योंकि आप लोग बहुत सपोर्ट करोगे, मुझे पता है, और गाना भी बहुत अच्छा है, तो सपोर्ट करना। जब म्यूज़िक वीडियो भी बहुत जल्दी आएगा, एंड जैक एंड जोन्स को भी सपोर्ट करना, उनके चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मैं। गाइस, मैं इतना ही सुना सकता हूँ। तो गाइस, आई एम फाइनली डन विद माय सॉन्ग, एंड आई एम सो हैप्पी एंड वेरी 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 सेटिस्फाइड, एंड आई एम श्योर कि आप लोगों को भी गाना बहुत ज़्यादा पसंद आएगा, क्योंकि मुझे खुद को गाते हुए पर्सनली अच्छा लगा, वो भी फर्स्ट टेक में ही। तो आई होप आप लोगों को अच्छा लगेगा। एमवी बहुत जल्दी आएगा, म्यूज़िक वीडियो बहुत जल्दी आएगा, मैं बहुत मेहनत करूँगा इस पर, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट लेके आऊँगा। इट टुक मी 30 मिनट्स टू रिकॉर्ड द होल सॉन्ग। और गाइज, एज एन आर्टिस्ट मैं समझ सकता हूँ कि एक गाना बनाने में कितना मेहनत लगता है, एक गाना कंपोज करने में कितना मेहनत लगता है। तो एक्चुअली वो गाना उनको ऑफर हुआ था, ही इज़ अ वेरी फेमस सिंगर ऑफ मिसिंग कम्युनिटी, और उनका नाम है जॉन पेगो, और उनको पहले गाना ऑफर हुआ था, बट उन्होंने मुझे एक दिन अचानक से कॉल किया, और उनको मैं कभी मिला भी नहीं था, पर्सनली जानता भी नहीं था, तो उन्होंने अचानक से मुझे कॉल किया और बोला आपके लिए एक गाना है, तो उन्होंने मुझे भेजा, तो मैंने सुना, गाना तो अच्छा है, बहुत अच्छा है। तो मैंने कहा आपका वॉइस भी अच्छा है ऑलरेडी, आप मिसिंग कम्युनिटी में बहुत ही फेमस हो, आपका जो सॉन्ग्स है बहुत ही अच्छा है, तो आपने ये गाना खुद, आप ये गाना खुद क्यों नहीं गा रहे हो, मैंने उनको पूछा। तो उन्होंने मुझे एज एन आर्टिस्ट बोला कि ये गाना आपके वॉइस में मैच करेगा करके। तो ये बहुत ही बड़ी बात होती है किसी आर्टिस्ट के लिए एक गाना किसी को देना, क्योंकि यूजुअली ऐसा होता है कि खुद गा के खुद कंपोज करते हैं, खुद लिखते हैं, खुद गाते हैं, तो ऐसा करके कभी कभी गाना जो है गड़बड़ भी हो जाता है। लेकिन मेरे दोस्त ने मुझे इस गाना के काबिल समझा, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो थैंक यू सो मच जॉन, अभी मैं जॉन से आप लोगों को मिलवाना चाहूँगा। तो ये है मिस्टर जॉन पेगो जिसके बारे में बात कर रहा था, और पहली बार इनसे मिला, पहली बार में ही इतना अच्छा बॉन्डिंग बना हम दोनों के बीच में। तो उम्मीद करता हूँ कि हम दोनों साथ में डुएट में भी फ्यूचर में काम करेंगे मिसिंग सॉन्ग को लेकर। आप इतने अच्छे कंपोजर हो, तो मैं आपके साथ ज़रूर काम करना चाहूँगा। ये मिसिंग कम्युनिटी के बहुत ही फेमस सिंगर है, और इनका जो सॉन्ग्स है वो मिलियन में जाता है, मतलब मिलियन में व्यूज़ मिलता है इनके सॉन्ग्स को, जो कि बहुत बड़ी बात है। मिलियन में किसी म्यूज़िक वीडियो का, ऑफिशियल म्यूज़िक वीडियो का व्यूज़ मिलियन में पहुँचना छोटी मोटी बात नहीं, बहुत बड़ी बात होती है, और बहुत ही मेहनत लगती है। तो ऐसे आर्टिस्ट को मेरे लिए, मेरे तरफ से दिल से सलाम। थैंक यू आपको, थैंक यू सो मच, मुझे इस गाने के लायक समझा,
आपको थैंक यू सो मच, आई एम वेरी हैप्पी. और मेरे सब्सक्राइबर्स भी, मेरे फॉलोअर्स भी बहुत खुश होंगे. इनका यूट्यूब चैनल भी है जैक एंड जोन्स करके, तो उनका चैनल में इनका आपको गाना सुनने को मिल जाएगा. इनके भी काफ़ी ज़्यादा सब्सक्राइबर्स है, तो इनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप जाके इनके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो. और प्लीज़ ऐसे टैलेंटेड आर्टिस्ट को फॉलो करिए ताकि वो और मोटिवेट होकर आगे और अच्छे अच्छे वीडियोज़ बना पाए और अच्छे अच्छे गाना आगे दे पाए. और जो इनका स्टूडियो है वो है कुलाजान में, सिला पत्थर के सामने, आसाम में. तो आप कहीं भी रहते हो तो इनका जो क्वालिटी है बहुत अच्छा है. मैंने जो वॉइस का जो क्वालिटी चेक किया था, बहुत 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 ज़्यादा अच्छा है. तब आप अगर सिंगर हो तब आप यहाँ आके रिकॉर्ड कर सकते हो. तो आप अपने बारे में थोड़ा कुछ बताइए. सो माय नेम इज जॉन फेगुना फ्रॉम कुलाजान. एक्चुअली हमको तो मतलब बचपन से मतलब म्यूजिक का बहुत शौक था जी. मतलब हम बहुत ट्राई करता था. मतलब हम लोग फर्स्ट ऐसे म्यूजिक स्टार्ट किया था हम लोग 2015 में. 2015 में तो हम लोग ऐसे मेरा दोस्त को मिला था जेक डोले बोल के. हाँ, तो हम दोनों ऐसे मिल के एक तो गाना बनाया था नो मोक का. वो फर्स्ट गाना था हम लोग का. तो वो गाना हम लोग बनाए थे सिलापत्थर में एक तो मेरा दोस्त के स्टूडियो में. उसके बाद नेक्स्ट हम लोग आया था मेसाब एक तो गाना. तो मेसाब, वो मेसाब से हम लोग का मतलब क्या बोलते हैं टर्निंग पॉइंट हो गया है. ओके ओके, अब पब्लिसिटी मिला, पब्लिसिटी ज़्यादा हो गया है हम लोग का. ओके ओके, तो वो गाना का नाम है लव मेसाब. ओके, तो वो मेसाब को हम लोग इतना कष्ट से बनाया है ना. मतलब हम लोग के पास कुछ भी नहीं था ऐसा, सिर्फ एक तो लैपटॉप था. लैपटॉप से हम लोग बना के ऐसे हम लोग रॉयन जैक और हम लोग तीनों ही बनाया है, बना दिया. तो वो एवरीथिंग मतलब पब्लिक को इतना पसंद हो गया वो गाना. तो वन मंथ में 1 मिलियन हो गया. वन मंथ में 1 मिलियन. So thank you so much and thank you brother for visiting us. Okay. आपको बहुत बहुत बड़ा थैंक यू सो मच. एंड थोड़ा ऑडियंस को बताइए ना कि ये गाना मतलब लेंजिंग डोमिंग तक कैसे पहुँचा ये गाना. तो बोलने से ये गाना एक्चुअली हमको बसंतो पेगो जो हम लोग को पहली बार भी एक तो दिया था लकोदार को, मतलब ऐसा गाना एक तो दिया था. तो वो गाना हमको देखे वो लोग बहुत पसंद लग गया. मतलब गाना जो भैया एक तो ऑलरेडी शूटिंग कर लिया है. तो उसके बाद हमको फिर से एक तो नया गाना दिया था, ये गाना आई मिल लव. तो बसंतो पेगो ने ये लिख के हमको भेजा था. तो हम सुना है, हम बना के एक बार देखा था. तो बना के देख के हम सोचा है सूट अच्छा ही है, मेरा वोकल में भी अच्छा ही है बोल के हम सुना. फिर भी हम तेरा एक तो गाना सुना था, क्या बोलते हैं एक तो, नहीं नहीं हाँ हाँ वो एक तो कवर किया था ना, क्या बोलते हैं हाँ तुम मिले. वो गाना सुन के हम सोचा है तो एक बार लेंजिंग का ट्राई करते हैं क्या बोल के. तो ये नंबर हमको मिसिंग आउट से हम लेगा बोल के सोच रहा था. तो मिसिंग आउट नहीं दे पाया तो एक तो दोस्त से लिया है. तो वो दोस्त हमको दिया था, वो भी सुशांत राजपूत सिंह ऐसा बोल के दिया था. मेरा ट्रू कॉलर का नेम सुशांत सिंह राजपूत है. तो वो तो अरे सुशांत का नहीं चाहिए, लेंजिंग का चाहिए बोला था हम. तो नहीं वो लेंजिंग ऐसे सेव कर दिया था बोल के बोला. तो हम थैंक यू बोल गए. तो तुमको कॉल किया तो आपको कॉल किया था तो ऐसा हो गया. तो आप भी रिसीव कर दिया. और फर्स्ट कॉल जब किया था तुम नोरसेबल आ रहा था. जीरो में था उस वक्त, जीरो में. हां, 2 घंटे का बात कॉल किया तो रिसीव कर लिया. okay. तो हम लोग बात कर लिए, उसके बाद गाना को भेज दिया तो ब्रदर भी पसंद लग गया. okay. सो आज हम लोग मिला ऐसे. ओके, मतलब इनको बेसिकली मेरा आवाज अच्छा लगा इसलिए उन्होंने मुझे इस गाने को गाने को दिया. और ये बोल रहे हैं आई एम इन लव. तो ये गाना का अभी टाइटल है आया दुंग नम, क्योंकि पहले होने वाला था आई एम इन लव. तो थोड़ा सा मैंने भी बोला कि थोड़ा इंग्लिश वाले पार्ट को कट कर देते हैं, पूरा प्योर आदि और मिसिंग में रखेंगे करके. तो मेनली मिसिंग ही है. तो मिसिंग लैंग्वेज में ये गाना मिसिंग लैंग्वेज में ही है. और आदि में एक कोरस वाला पार्ट जो आदि में आता है हमारे लैंग्वेज में. और मुझे 100% भरोसा है कि आप लोग बहुत बहुत ज़्यादा सपोर्ट करोगे और फ्यूचर में साथ ही साथ इनको भी सपोर्ट करोगे और फ्यूचर में हम दोनों को सपोर्ट करोगे. हम दोनों भी फ्यूचर में आप लोग के लिए अच्छे अच्छे गाने लेके आएंगे. और हम लोग का मोस्ट स्पेशल थैंक्स है मतलब हम लोग का मिंटू भैया और विनस भैया. हाँ. वो लोग की वजह से आपको भी मिला है. वही वही. वो लोग फोर्स किया हमको, बुलाओ. ओके ओके, गोवा के देखते हैं. तो मिंटू भैया से भी मैं अभी मिलवाऊंगा आपको. तो मिंटू भैया अभी कैमरामैन बने हुए हैं. तो मिंटू भैया आइए. हाय. ओके, तो ये है मिंटू भैया. ओके, और एक जिन्होंने पहले जिन्होंने गाना लिखा है उनका नाम है बसंतो पेगू. और ये है मिंटू भैया जिन्होंने स्टार्टिंग वाला पार्ट में हमें बहुत ही मदद किया. और जितने भी आजकल के जितने भी पॉपुलर हिट मिसिंग सॉन्ग्स हैं सभी के लिए रिसिस्ट यही है. तो इनको बहुत ही माने जाते हैं यहाँ पे. और अविनाश भैया को भी प्लीज कम. ओके, अभी अविनाश भैया को भी हम बुलाना चाहेंगे. हम लोग स्पेशली हम लोग ये दोनों हैं. भैया भी सिंगर है. तो भैया के बारे में थोड़ा और कुछ बता दीजिए. मेरा भैया का अभी नया मूवी के लिए वो गाना बना रहा है. भैया लिखा है. ओके, तो लिखा है.
अभी सो ट्रेंडिंग में आने वाला है अबुंग अच्छे बिद्दुंग तो बेसिकली इसका टाइटल जन्म जन्म ओके तो ये सभी जो आपको दिग्गज दिख रहे हैं ये सभी मिसिंग कम्युनिटी के बहुत ही फेमस सिंगर्स हैं लिरिसिस्ट थे कंपोजर हैं तो इनका इनको इन सभी को मेरे दिल से सलाम मेरे तरफ से आप सभी को थैंक यू सो मच और ये इसको कहते हैं मिसिंग गमुछा क्या क्या बोले एग्जैक्टली गमुछा ही बोलते हैं अरकोक ओके इसको बोलते हैं अरकोक बोलते हैं मफलर तो ये जॉन के पापा ने मुझे दिया पापा जी आइए ना एक बार तो पापा जी इतने रेस्पेक्ट से और इतने प्यार से स्वागत करने के लिए आपको थैंक यू सो मच और आपको मेरा आवाज़ कैसा लगा आपने सुना ना पहले अरे जो हमने सुना है ना जी योर ट्यून इज वेरी स्वीट थैंक यू सो मच वेरी अट्रैक्टिव सो आई रियली ग्रेटफुल टू यू थैंक यू सो मच एंड आपको इतना टैलेंटेड ऐसा बेटा मिल के आपको कैसा लगता है कैसा फील होता है एज अ फादर दिस एक्चुअली आई एम द लकी फादर या Yeah, and also this like only everything is happened only by the grace of God. Yeah, really thank you God. Yeah, okay, praise the Lord. Thank you. अभी हम वापस जा रहे हैं मेरे कार की तरफ हम बढ़ रहे हैं आपका एज कितना है ब्रो 23 Yeah. ओके वेरी यंग हो आप हमसे 3 साल छोटा है तो इतना छोटा मरे इतना टैलेंट कैसे और ये गर्लफ्रेंड है कि नहीं अरे इतना ऑनेस्ट वेरी गुड ओके आई एम सॉरी गर्ल्स ही इज नॉट सिंगल बट इट्स ओके बहुत ही लॉयल है ऐसा लॉयल लड़का आजकल के ज़माने में मिलना बहुत ही मुश्किल होता है तो आई एम वेरी प्राउड ऑफ हिम जॉन भाई से मिलके आई एम वेरी सेटिस्फाइड ये ट्रीट मेरा तरफ से होगा हाँ चलिए नहीं हम बहुत खुश है आज हाँ मतलब बहुत सेटिस्फाइड है मतलब ना क्योंकि आई एम वेरी सेटिस्फाइड तो इसलिए आज मेरी तरफ से ट्रीट तो मैं बोला था कि इनका भी खुद का चैनल है तो आप सब्सक्राइब कर देना इनको न्यूली ओके व्लॉगिंग भी शुरू कीजिए तो गाइस हमारा खाना खा के डन तो हमने पेट भर के खाना खा लिया है आज खुशी का दिन है तो हमने खाना खाया टेस्टी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था रंजिंग जी थैंक्स फॉर द टिप अच्छा लगा थैंक यू बहुत अच्छा लगा अब जो अपना बेटा के लिए कुछ बोलेगा सॉरी बोलिए बेटा को अपना बेटा को मेरा बेटा आपको मिलने के लिए बहुत ये था मैं लेके नहीं आ पाया हाँ तो बेटा आपसे गुस्सा है ना कॉल भी नहीं उठा रहा है ओके हम जो आपको खुद पर्सनली मिलने आएगा आपका बेटा को हम खुद पर्सनली मिलने आएगा आपका बेटा का नाम क्या है हेनरी हम आपको खुद मिलने के लिए आएगा आप दुखी मत होइए हम बहुत दिन का 3-4 दिन के बाद हम फिर से वापस आएगा तो आपको हम खुद पर्सनली मिलेगा तो ये मेरा वादा है आपसे ठीक है तो दुखी मत होना तो गाइस इसी के साथ हमारा आज का ब्लॉग खत्म होता है तो आप सभी को ढेर सारा प्यार ऑडियंस की तरफ से भी मेरे तरफ से भी थैंक यू सो मच इसी के साथ मेरा आज का ब्लॉग खत्म होता है सब्सक्राइब टू देम मैं इनका चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा तो गाइस इसी के साथ मेरा आज का ब्लॉग खत्म होता है थैंक यू सो मच वॉचिंग बाय बाय जय हिंद वंदे मातरम